नमस्कार अभिनंदन, आप सभी लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद सिंह आज के वीडियो में बात करने वाला हूं जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल की। जहां तक जीएसटी की बात है, जीएसटी केम ऑन 1 जुलाई 2017 और ऑलमोस्ट 6 ईयर्स होने वाले हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स हैव चेंज। नाउ जीएसटी की जहां तक कहानी है, एक यहां पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जीएसटी में जो देखने को मिलता था, दैट वॉज जीएसटी के जो डिस्प्यूट्स होते थे उनका एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं था। एवरी स्टेट विल टेक द डिस्प्यूट्स एंड गिव द वर्डिक्ट देते थे। तो इस वजह से नाउ एक डेडिकेटेड हम लोग जीएसटी ट्राइब्यूनल क्रिएट करेंगे एंड यहां पर जो जीएसटी के डिस्प्यूट्स हैं उनका टाइम बाउंड रिड्रेसल होगा, टाइम बाउंड एड्रेसल होगा। तो जीएसटी काउंसिल ने कहा कि जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल मतलब अपील, जहां पर आप जीएसटी के डिस्प्यूट्स को अपील करेंगे, वो फाइनेंस बिल 2023 में इंक्लूड होगा, यानी जो बजट है उसमें इंक्लूड होगा। जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल की बात करते हैं, इज कंसिडर्ड एज अ हैंडल टू केस द जीएसटी केसेज इन इंडिया, और एक इम्पार्शियल बॉडी होगी। जो भी अपीलेट अथॉरिटी है, जैसे आपको डीएसटी का डिस्प्यूट होता है तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, अपीलेट अथॉरिटी जो है वर्डिक्ट देगा, और अगर वर्डिक्ट से आप खुश नहीं है तो जीएसटी ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। और एक नेशनल बेंच होगा, पूरे इंडिया में एक नेशनल बेंच होगा और रीजनल बेंचेज होंगे, सो दैट द केसेज कैन बी टेकन। और ये ट्राइब्यूनल की जो वर्कलोड है वो बढ़ेगा इवेंचुअली, और जुडिशरी पे जो केसेस जा रहे हैं दैट केसेस विल रिड्यूस एंड स्पीड अप द एडजुडिकेशन ऑफ जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट। एक और बात है, ट्राइब्यूनल एक टेक्निकल बॉडी है, दैट मींस इट विल टेक केसेस ऑफ जीएसटी जो लीगल इश्यूज हैं, जो नॉर्मल कोर्ट्स के लिए मुश्किल होता है समझने का। नाउ इफ यू लुक एट द प्रोसेस, आप पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे, फिर अपील करेंगे, फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल पे जाएंगे, तो ये जो प्रोसेस है इसमें ये वाला पार्ट को ऐड किया गया, ये पहले से था। नाउ दिस पार्ट हैज बीन एडेड। नाउ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने से पहले यू विल गो टू अ बॉडी जो एक टेक्निकल इशू को एड्रेस करेगा एंड द वर्डिक्ट विल बी गिवन। तो इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद डिसीजन पास बाय लोअर कोर्ट, तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं। तो अपीलेट अथॉरिटी, अपील बेस्ड सिस्टम से ये चलेगा। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अनबर्डन जुडिशरी। जुडिशरी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा लोड है, मोर देन 3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, और जो जीएसटी के डिस्प्यूट्स होते हैं दे आर वेरी टेक्निकल नेचर, और टेक्निकल होने की वजह से जीएसटी के डिस्प्यूट्स पर गवर्नमेंट को इनपुट चाहिए होता है। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ जीएसटी सिस्टम, जो हमारे जीएसटी सिस्टम है उसको एफिशिएंट बनाना, तो इम्प्रूव एफिशिएंसी जितनी भी उनको इम्प्रूव करना हुआ। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, यानी अपीलेट ट्राइब्यूनल एक एफिशिएंट इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसका काम सिर्फ डीएसटी के डिस्प्यूट्स होंगे, टैक्स रिलेटेड, दैट टू जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स को एड्रेस करेगी। इससे क्या होगा, टैक्स इवेजन नहीं होगा, जस्टिस गिवन विल मेक श्योर कि दूसरे लोग गलत काम नहीं करेंगे, तो रेजोल्यूशन डिस्प्यूट होगा और एक ग्रेटर सर्टेनिटी होगा। जीएसटी सिस्टम में कोई भी इशू आता है तो आपको पता है दैट माई केस विल बी टेकन बाई जीएसटी ट्राइब्यूनल, और वो आपको टाइम बाइंड रिड्रेसल करेगा। तो ओवरऑल जीएसटी सिस्टम में की एफिशिएंसी बढ़ेगी और फेथ बढ़ेगा और टैक्स की जो चोरी होती है वो कम हो जाएगी। देन कुछ इश्यूज हैं, नेचुरली कोई भी लॉ आता है तो देर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड इट। क्या रीजन है? पहला रीजन है कंप्लायंस इश्यूज। जीएसटी में बहुत सारे कंप्लायंस इश्यूज रहते हैं बिकॉज एक 6 ईयर ओल्ड लॉ है। कॉम्प्लेक्स एडजुडिकेशन अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल लेयर्स हैं। जीएसटी ऑफिसर के पास जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, तो इट विल मेक श्योर दैट की एडजुडिकेशन लेवल पर एक और अच्छी बॉडी हो जो उसको एड्रेस करे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, दिस प्रोसेस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड बर्डनसम फॉर टैक्स पेयर। जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, बड़ा बिजनेसमैन बड़े कंपनीज कॉर्पोरेट फर्म्स वो लॉयर्स को हायर कर लेंगे, टैक्स लीगल फर्म्स को हायर कर लेंगे, बट इन नॉर्मल केसेस जो हैं जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको दिक्कत आती है। तो राइट नाउ दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर देयर, और इस वजह से हमको एक अच्छा एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म को क्रिएट करना हमारे लिए एक नेसेसिटी है जिसको हमें एड्रेस करना है। द प्रोपोज जीएसटी ट्रिब्यूनल इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्लूड इन फाइनेंस बिल, दैट मींस दैट ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का पार्ट होगा और लीगल स्टैंडिंग होगी, और ये प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है। तो ऑलरेडी एज वी स्पीक ये ट्राइब्यूनल ऑलरेडी क्रिएट हो गया है एंड दैट इज द एडवांटेज। तो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल एक ऐसी बॉडी है जो केसेस को लेगा एंड इट विल एड्रेस, होपफुली जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स को एड्रेस करेगा एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। अच्छा, एचआईएस कोर्सेज को अगर आपको ज्वाइन करना है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम, तो हमारे सारे फाउंडेशन प्रोग्राम है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड
हमको रीच आउट कर सकते हैं, आप हमारे काउंसलर से मिल सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में, गेट द राइट इनपुट एंड सिलेक्शन के लिए आपको जो एक सिंसियर एफर्ट है यहाँ पे मिलेगा। ओल्ड राजेंद्र नगर की जो कोचिंग्स हैं उसमें से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं एंड यू विल फील दैट डिफरेंस, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से रिजल्ट आते हैं एंड दैट इज हाउ इट इज। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट। टेक केयर, बाय।